अस्सलाम वालेकुम, हमारा इश्तियाक हेयर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर एडीएस पार्ट टू। स्टूडेंट्स, एज यू नो वी वर डिस्कसिंग द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इन विच इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कीन एंड द नोमेनक्लेचर मेथड ऑफ अल्कीन। सो नाउ इन टुडेज सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द सम प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कीन्स। प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कीन का क्या मतलब होता है कि हम अल्कीन को कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जिनके नतीजे में प्रिपेयर कर सकते हैं, वो कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जिनकी प्रोडक्ट में अल्कीन बनेगा, अल्कीन को बनाने के मेथड्स, ये हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में हम कुछ लिस्ट को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड हम आपके सिलेबस में स्टडी करने जा रहे हैं टू प्रिपेयर अल्कीन। ठीक है, तो सबसे पहले लिस्ट में देखेंगे डी हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डी हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड आज के लेक्चर में हम डिस्कस भी करेंगे। ये भी एक ऐसा रिएक्शन है जिसके नतीजे में प्रोडक्ट में अल्कीन फॉर्म होगी, अल्कीन प्रिपेयर होगी। नेक्स्ट इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का क्या मतलब है कि हम अल्कोहल में से वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिमूव करेंगे, अल्कोहल को डिहाइड्रेट करेंगे। ये रिएक्शन भी हम आज के लेक्चर में कंप्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे, इसका मैकेनिज्म, इसका तमाम डिटेल्स। ठीक है, तो ये दो मेथड अल्कीन को प्रिपेयर करने के लिए आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, और इसके बाद जो बाकी के मेथड हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। और उसमें आता है डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड की डिहैलोजिनेशन, ये एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें अल्कीन मैन्युफैक्चर होगी। इसके बाद पायरोलाइटिक एलिमिनेशन, पायरोलाइटिक एलिमिनेशन में भी हम अल्कीन को मैन्युफैक्चर करेंगे। देन द विटिंग रिएक्शन एंड द लास्ट वन विल बी हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की हाइड्रोजिनेशन से भी हम अल्कीन्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो ये तो वो तमाम रिएक्शंस हैं जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, जिन रिएक्शंस में आपने अल्कीन्स को मैन्युफैक्चर करना सीखना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि हम पहला मेथड डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी हमने बताया, मैंने बताया कि जो पहला मेथड है वो है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इस मेथड को पढ़ने से पहले मैं आपको एक जनरल सा कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से। आप लोग एफएससी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें, ये कॉन्सेप्ट पहले भी आपके पास मौजूद है। इस कॉन्सेप्ट पे आप पिछला चैप्टर अबाउट अल्केन भी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन अगेन आप लोगों के माइंड रिफ्रेश करूँगी। आपके सामने एक एग्जाम्पल नज़र आ रही है जिसमें पहला मालिक्यूल आपको पता है कि इथेन का मालिक्यूल है, जिसमें दो कार्बन के साथ एज टोटल 6 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। ठीक है, तो ये एक अल्केन का मेंबर इथेन है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेंबर है वो अल्कीन है, मतलब कि ये इस अल्केन से अल्कीन को बनाया गया है। लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अल्केन में देखें, जो आपके पास पहला मेंबर है दिस वन, इसमें देखें कि आपके पास दो कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन अटैच हैं। हर एक कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, हर एक कार्बन के साथ चार चार बॉन्ड बन रहे हैं। देखें, ये एक सेंटर वाला कार्बन है, इसने चार बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसके साथ ही मौजूद दूसरा कार्बन, इसने भी चार बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ये दोनों कार्बन अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इनके साथ से एक एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, लाइक दिस, ये हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ और इसके एडजेसेंट कार्बन से भी एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूँ, अभी क्या होगा? दोनों कार्बन के पास तीन तीन बॉन्ड रह जाएंगे, दोनों कार्बन की वैलेंसीज अनस्टेबल हो जाएंगी, बैलेंस नहीं रहेंगी। ठीक है, तो अभी क्या होगा? कार्बन तो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई किए बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो ये दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे सो दैट कि इनकी वैलेंसीज अगेन 4 हो जाए। जैसा कि आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है आपको कि डबल बॉन्ड फॉर्म हो चुके हैं। और अगर आप हाइड्रोजन के ऊपर गौर करें तो जो पहले इथेन के अंदर हाइड्रोजन थे उसकी निस्बत नेक्स्ट स्ट्रक्चर में एक एक हाइड्रोजन कम है, अब सिर्फ दो दो हाइड्रोजन मौजूद है। पहले स्ट्रक्चर में तीन तीन हाइड्रोजन थे, आपने एक एक हाइड्रोजन उतारा, उनका एक एक बॉन्ड कम हो गया। उसके नतीजे में उस बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने सेंटर में एक और बॉन्ड बना लिया। और यू नो कि अल्कीन हम किस तरह के कंपाउंड्स को कहते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया, जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है। दिस इज़ हाउ हमने अल्केन को अल्कीन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी दो एडजेसेंट कार्बन हो और वो चार चार बॉन्ड बना रहे हों, उन दोनों कार्बन का अगर एक एक बॉन्ड हम कम कर देंगे दोनों एडजेसेंट कार्बन का, लाइक इन दिस केस ये दो कार्बन जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, इन दोनों का अगर एक एक बॉन्ड आपने कम कर दिया है तो इन्होंने आपस में एक बॉन्ड बना लिया। दिस इज़ हाउ ये डबल बॉन्ड बन गया, पहले सिंगल बॉन्ड बना हुआ था पीछे, अभी डबल बॉन्ड क्यों बना है? क्योंकि इन्होंने अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई
डिवाइसिफाई करना था। आपने इसका एक एक हाइड्रोजन उतारा है, दोनों कार्बन का, इन्होंने अगेन अपनी वैलेंसी को 4 बनाने के लिए आपस में डबल बॉन्ड बना के वैलेंसी को अगेन बैलेंस कर लिया है। तो आगे के तमाम रिएक्शन में ये कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करना है। तो हम मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर फर्स्ट रिएक्शन टू प्रिपेयर अल्कीन, दैट इज़ द डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में आप किस तरह से क्या रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले आपके पास अल्काइल हैलाइड होने चाहिए। एंड यू नो कि अल्काइल हैलाइड किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ अगर एक हैलोजिन का एटम अटैच होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड। दिस इज हाउ, ये आपके पास जो सामने शो हो रहा है ये एक हैलोजिन का एटम है, ठीक है। तो ये हैलोजिन का एटम जो है ये अगर किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा तो वो अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। दिस इज हाउ हमने ये अल्काइल हैलाइड का एक मॉलिक्यूल लिया। अब इसके नाम पे गौर करें, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है। जो आपके पास टॉप पे नाम नजर आ रहा है, डीहाइड्रो का मतलब एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, हैलोजिनेशन मतलब एक हैलोजन को भी रिमूव करेंगे। तो हम दो एडजेसेंट कार्बन में से एक से हाइड्रोजन और एक से हैलोजन को रिमूव करेंगे। तो जैसे अभी मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट में प्रीवियस स्लाइड में कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर दो एडजेसेंट कार्बन अपना एक एक बॉन्ड कम करते हैं तो वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, वो जो डबल बॉन्ड बनेगा उसको, उसी स्ट्रक्चर को हम अल्कीन कहेंगे। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ से हम एक हैलोजन जिसको मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है और सेकंड हाइड्रोजन, ये दोनों यहाँ से रिमूव कर लेंगे, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन हैलाइड की फॉर्म में रिमूव होंगे। देखिए ये हाइड्रोजन और हैलोजन मिलके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन हैलाइड की फॉर्म में रिमूव हो गए। अब हुआ क्या है, पीछे मौजूद दो एडजेसेंट कार्बन का एक एक बॉन्ड कम हो गया है, वो किस तरह से इसको कंपनसेट करेंगे, वो आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये सेम पीछे वाला स्ट्रक्चर है, इसमें जस्ट क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन रिमूव होने की वजह से इन्होंने आपस में दोनों कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया है टू कंपनसेट द वैलेंसी, और एज अ रिजल्ट हमारे पास अल्कीन भी मैन्युफैक्चर हो गया है। सेम एग्जांपल आगे है, ये आपके पास एक जनरल फॉर्म थी जहाँ पे हैलोजन को हम एक्स की मदद से शो कर रहे थे, एक्स जनरली किसी भी हैलोजन को हम बोल देते हैं। तो नीचे वाली जो एग्जांपल है उसमें हम एक्स की जगह पे कोई भी स्पेसिफिक हैलोजन को हाईलाइट कर देंगे, लाइक इन दिस केस हमने यहाँ पे क्लोरीन को मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमने क्या करना है, दो कार्बन मौजूद है उनमें से एक से हाइड्रोजन को रिमूव करना है, ठीक है। लाइक दिस ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और दूसरे कार्बन से आपने हैलोजन को रिमूव कर देना है, विच इज़ क्लोरीन, HCl की फॉर्म में ये आपके पास रिमूव हो जाएगा। HCl एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन, दोनों कार्बन के पास से एक एक एटम चला गया, एक एक बॉन्ड चला गया, एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास डबल बॉन्ड कंटेनिंग अल्कीन बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है अल्कीन की प्रिपरेशन का क्या मतलब है, कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी एग्जांपल को परसू कर रहे हैं, इसकी एक और तरह से इसको बयान किया गया है। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के साथ हमने सोडियम एथोक्साइड इस्तेमाल किया है, अल्काइल हैलाइड के साथ सामने आपको नज़र आ रहा है सोडियम एथोक्साइड। अब क्या करना है, काम वही करना है हमने कि अल्काइल हैलाइड में से एक कार्बन से हैलोजन और एक कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन रिमूव करना है, एज अ रिजल्ट ये दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। दिस इज हाउ, ठीक है, ये डबल बॉन्ड बना लिया हमने, किया क्या है, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन रिमूव कर दिया। लेकिन जो हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव हुए हैं वो हमारे नेक्स्ट रिएक्टेंट विच इज सोडियम एथोक्साइड उसके साथ मिलके कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस बाय प्रोडक्ट्स का है, बाकी का मैकेनिज्म सेम वैसा ही है जैसा भी प्रीवियस स्लाइड में आपने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखें, जो हैलोजन रिमूव होगी वो सोडियम के साथ कंबाइन हो जाएगी, ठीक है, और क्या बना देगी, सोडियम क्लोराइड, राइट। और जो हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, दूसरे कार्बन से एक हाइड्रोजन भी रिमूव किया है ना, वो बाकी के एथोक्साइड आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा। एथोक्साइड आयन क्या है, OC2H5, Na के साथ तो Cl कंबाइन हो गया, NaCl बना दिया, जो बाकी का पोर्शन है OC2H5 उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन, और ये क्या बना देगा, एथानोल, ठीक है। तो इस तरह से बाय प्रोडक्ट्स जस्ट डिफरेंट है, अदरवाइज ही वैसी एग्जांपल है, इसको आप मजीद भी कर सकते हैं कंटिन्यू, इस तरह की मजीद एग्जांपल्स आप स्टडी कर सकते हैं, मजीद एग्जांपल्स को आप फॉलो कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट में, इस रिएक्शन में एक रूल भी आता है विच इज़
सेट्सेफ्स रूल। ठीक है, सेट्सेफ्स रूल क्या कहते हैं, ये किस तरह से हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहे, तो उसको हम क्विकली देखते हैं कि जब भी किसी अल्काइल हैलाइड में से आपने कुछ रिमूव करना होता है तो आप उस तरह से वो रिमूवल करेंगे कि आपके पास जो प्रोडक्ट में एल्कीन बने उसके पास मैक्सिमम सब्सिट्यूएंट्स मौजूद हों। लेकिन ये रूल आगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर भी इस्तेमाल होगा, तो इस रूल की कंप्लीट जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में जब हम डिहाइड्रेशन को पढ़ लेंगे तो फिर ही देती हूँ, सो दैट हम एक साथ ये रूल स्टडी कर लें। ये रूल हमारे दोनों पहले रिएक्शंस पे एप्लीकेबल होगा, जो अभी हमने पढ़ा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और इसके अलावा जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद हम इस रूल को स्टडी करेंगे, और ये रूल हमारे पास इन दोनों सीन में, इन दोनों केस में, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में भी और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में भी एप्लीकेबल होगा। तो देखें, हम सबसे पहले देख लेते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हम किसको कहते हैं, डिहाइड्रेशन वर्ड का सबसे पहले तो मतलब समझें कि डिहाइड्रेशन हम किसको कह रहे हैं, वाटर के रिमूवल को। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मतलब अल्कोहल में से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अल्कोहल टू फॉर्म अल्कीन। अल्कीन बनाने के लिए हम अल्कोहल में से वाटर के मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेंगे, रिमूव कर देंगे, डिहाइड्रेट कर देंगे। ठीक है, तो अभी आपने करना क्या है, स्टार्ट में कॉन्सेप्ट दिया था कि दो एडजस्टेंट कार्बन का एक एक बॉन्ड कम कर दें तो वो आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो आपने जो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करना है यहाँ पे, वो एक कार्बन से हाइड्रोजन लेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, एक कार्बन से हम हाइड्रोजन लेंगे और दूसरे एडजेसेंट कार्बन से हम हाइड्रोक्सल को रिमूव करेंगे। इसको एग्जांपल की मदद से भी हम इन लाइंस को आगे एक्सप्लेन करते हैं, इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले ये थ्योरेटिकली देख लें कि आपने एक एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोक्सल को रिमूव करने, दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन को, एज अ रिजल्ट सेंटर में डबल बॉन्ड बनेगा जो कि हमारे पास अल्कीन होगा जिसको हम बनाना चाह रहे हैं। तो इसको हम एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन भी कहते हैं। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन हम क्यों कह रहे हैं इसको, एसिड कैटालाइज्ड तरीके से ये क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कैटलिस्ट के तौर पे हमारे पास काम कर रहा है वो कोई एसिड है, और कैटलिस्ट आपको पता है कि मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। तो जब हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम एसिड का काम भी देखेंगे कि एसिड किस तरह से इस रिएक्शन को होने में मदद दे रहा है। तो देखें, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को हम परसू करते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल शो हो रही है जो कि एक अल्कोहल की एग्जाम्पल है। यू नो वेरी वेल कि अल्कोहल हम किसको कहते हैं, अल्कोहल ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं। लाइक दिस, अगर किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है तो वो पहचान है कि वो अल्कोहल का मॉलिक्यूल होगा। अब हमने डिहाइड्रेशन करनी है तो मतलब हमने क्या करना है, दो एडजेसेंट कार्बन में से एक कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर लेने, दूसरे कार्बन से हाइड्रोक्सिल को रिमूव कर लेने। ठीक है, एज अ रिजल्ट सेंटर में डबल बॉन्ड बन जाएगा। कैसे, ये देखें, एक कार्बन का हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल जो हाईलाइट हुआ हुए, दूसरा जो हाइड्रोजन, ये दोनों हम रिमूव कर देंगे। एज अ रिजल्ट ये जो कार्बन हैं, दोनों एडजेसेंट कार्बन, ये सेंटर में डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्कीन बन गया। जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल रिमूव हुए हैं वो मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे। तो वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, तो ये हमारे पास एलिमिनेशन या रिमूवल ऑफ वाटर परफॉर्म हो गया। तो इसी की सेकेंड एग्जाम्पल भी इसी को एलिबरेट कर रही है कि हमारे पास दो कार्बन मौजूद है, एक कार्बन से हाइड्रोक्सिल और एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। वाटर की फॉर्म में ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल रिमूव हो जाएंगे और जो पीछे बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट वो क्या होगी, अल्कीन। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि एक एक बॉन्ड आपने कम कर दिया था, कंपनसेशन के लिए उन्होंने आपस में डबल बॉन्ड बना लिया। तो ये तो एक जनरल मैकेनिज्म है, जनरल तरीका है, जनरल सा रिएक्शन है कि किस तरह से डिहाइड्रेशन हमने परफॉर्म करनी है। इसको हम देखते हैं कि ये जो डिहाइड्रेशन है ये डिफरेंट कंडीशंस पे परफॉर्म होती है। देखिए, आपके पास तीन तरह के अल्कोहल होते हैं और ये अल्कोहल आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किए हुए होंगे लोअर क्लासेस में। एक होता है प्राइमरी अल्कोहल, एक होता है सेकेंडरी अल्कोहल और एक टर्शियरी अल्कोहल। ये तीनों क्या होते हैं आपको पता होगा, लेकिन मैं अगेन आपको रिफ्रेश कर देती हूँ आपका माइंड कि प्राइमरी अल्कोहल ऐसा अल्कोहल होता है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जैसा कि आपके सामने शो हो रहा है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर सिर्फ एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। एज यू कैन सी,
प्राइमरी अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल अंडरलाइन हुआ हुआ है वो ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ। अब सेकेंडरी को देखें, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो भी मैंने अंडरलाइन किया है ये ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर डायरेक्टली दो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। टर्शियरी अल्कोहल लास्ट वन, बिल्कुल लास्ट में जो आपके पास एग्जांपल है वो टर्शियरी अल्कोहल की है, इसमें हमारा हाइड्रोक्सिल जो कि अंडरलाइन हुआ हुआ है ये ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो डायरेक्टली अपने तीनों साइड से तीन कार्बन एटम के साथ ज्वाइन है, तो वो टर्शियरी अल्कोहल कहलाएगा। तो अभी कहा ये जाता है, हम पढ़ रहे हैं डिहाइड्रेशन का फिनोमेना। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल एंड फ्रॉम टर्शियरी अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन में सबसे इजीएस्ट डिहाइड्रेशन जो होती है वो टर्शियरी अल्कोहल से होती है, ठीक है। ये एक हमारे पास जनरल ऑर्डर है, आपके सामने लिखा हुआ भी है कि टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा जल्दी डिहाइड्रेशन देता है, सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन देता है, सेकेंडरी अल्कोहल उससे कम, और प्राइमरी अल्कोहल सबसे कम डिहाइड्रेशन, सबसे लोएस्ट एंड स्लोएस्ट डिहाइड्रेशन का फिनोमेना परफॉर्म करेगा। अब देखिए इसी ऑर्डर को माइंड में रखें, मैंने बोला टर्शियरी अल्कोहल सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन करेगा, तो टर्शियरी अल्कोहल को सबसे मिनिमम कंडीशंस देना पड़ेंगी। आपको पता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, लेट्स सपोज सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है, और साथ में टेम्परेचर भी देते हैं, तो ये डिहाइड्रेशन परफॉर्म होती है, ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल अगर बहुत इजीली डिहाइड्रेशन का फिनोमेना शो कर रहा है तो मतलब उसको बहुत थोड़ा सा एसिड देना पड़ेगा और कम सा टेम्परेचर देंगे तो वो फौरन से डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो देखें सबसे लास्ट एग्जांपल को सबसे पहले देखिए आप कि टर्शियरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन, मैंने बोला सबसे अच्छी होती है, सबसे जल्दी होती है, तो टर्शियरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन में जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही कम है, 85 डिग्री टेम्परेचर जस्ट, ठीक है, जस्ट 85 डिग्री टेम्परेचर पे ये डिहाइड्रेट हो जाएगा, और इसके साथ ही हमारे पास जो एसिड है वो है 20% ओनली, मतलब थोड़ा सा एसिड और थोड़ी सी डिहाइड्रेशन से ये हमारे पास डिहाइड्रेशन परफॉर्म हो गए। सेकेंडरी अल्कोहल को अगर हम देखें जो कि मिड में रिएक्शन शो हो रहा है आपके सामने, तो इसमें डिहाइड्रेशन के फिनोमेना में देखें कि हमारे पास 100 डिग्री टेम्परेचर है और 60% सल्फ्यूरिक एसिड है। 100 डिग्री टेम्परेचर का क्या मतलब है कि टर्शी की जो कंडीशन थी हमारे पास 85 डिग्री टेम्परेचर था, उससे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ा, 65% सल्फ्यूरिक एसिड, या 60% सल्फ्यूरिक एसिड का क्या मतलब है कि प्राइमरी टर्शी की निस्बत हमें एसिड भी थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी है, उसकी डिहाइड्रेशन ज़्यादा जल्दी नहीं होती है। एंड द लास्ट वन जो सबसे टॉप पे प्राइमरी अल्कोहल लिखा हुआ, मैं एक्चुअली ऑर्डर के लिहाज से आपको बता रही हूँ, तो ऑर्डर सबसे ज़्यादा टर्शी का था, उसके बाद थोड़ी सी जल्दी सेकेंडरी देते हैं, तो कंडीशन हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देना पड़ती है। अब प्राइमरी सबसे लीस्ट डिहाइड्रेशन देता है, सबसे लेट डिहाइड्रेशन देता है। अब इसकी कंडीशंस का डिफरेंस देखें बाकी दो से। प्राइमरी अल्कोहल में 140 to 170 डिग्री टेम्परेचर शो हो रहा है, ठीक है, और इसके साथ ही 75% सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सबसे ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड भी हम प्राइमरी को देंगे, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी देंगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से डिहाइड्रेशन देता है, तो कंडीशन हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़े। टर्शियरी बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन का फिनोमेना परफॉर्म करते हैं, तो माइल्ड सी हल्की सी कंडीशंस में भी ओनली 20% सल्फ्यूरिक एसिड में और ओनली 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में टर्शियरी अल्कोहल फौरन से डिहाइड्रेट हो गए, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी को कंडीशंस स्ट्रॉन्ग देना पड़ी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेट्सेफ्स रूल, जो कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों केसेस में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में भी ये रूल परफॉर्म होगा और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में भी ये रूल फॉलो किया जाता है। नाउ व्हाट इज़ दिस सेट्सेफ्स रूल है क्या? ये रूल कहता है कि जब आप किसी भी अल्कोहल में से हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, आपको मैंने बताया एडजेसेंट कार्बन से रिमूव करना है, ठीक है, तो अभी देखें अगर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जिसकी दोनों साइडों से हम हाइड्रोजन उतार सकते हैं। अब देखिए इस हाइड्रोक्सिल जिस कार्बन के साथ अटैच है, एक तो हमने हाइड्रोक्सिल को रिमूव करना ही करना है, हाइड्रोक्सिल तो जाएगा, उसके साथ साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन भी जाएगा, तो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। अब वो साथ वाला कार्बन इस साइड का भी हो सकता है
और दूसरी साइड का भी हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल की दाएं साइड से भी हम कार्बन की हाइड्रोजन ले सकते हैं या इसकी दाएं बाएं साइड से भी हम कार्बन की हाइड्रोजन ले सकते हैं, दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड से हम हाइड्रोजन को रिमूव करवा सकते हैं। तो हम किस वाली हाइड्रोजन को रिमूव करवाएंगे इसके बारे में ये रूल हमें हेल्प आउट करेगा। देखिए वो कह रहे हैं कि हमने उस साइड का हाइड्रोजन रिमूव करना है, उस तरह से ही एलिमिनेशन करवानी है कि जो रिजल्टिंग एल्कीन बने उसके साथ मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो। सब्स्टिट्यूएंट किसको कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप को, यू नो, सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ जिसमें अटैच हो, किसके साथ, अल्कीन वाली दोनों कार्बन के साथ। इसका देखें, ये आपके पास एक अल्कोहल है सामने शो हो रहा है, इसकी डिहाइड्रेशन परफॉर्म की हमने। अब दो तरह की प्रोडक्ट आपके सामने शो हो रही है, एक के साथ लिखा हुआ है मेजर प्रोडक्ट, एक के साथ लिखा हुआ है माइनर प्रोडक्ट। अब मेजर प्रोडक्ट को देखें, सेंटर वाला कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है, सेंटर वाला कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड है उसकी इस साइड पे भी मिथाइल ग्रुप है, दूसरी साइड पे भी मिथाइल ग्रुप है। कितने सब्स्टिट्यूएंट हो गए, दो सब्स्टिट्यूएंट, काउंट करके रखने हैं आपने। यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट हमने काउंट किए, दो। ऊपर वाली प्रोडक्ट देखिए, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, इन दो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट, इस डबल बॉन्डेड दोनों सी डबल बॉन्ड सी के साथ कितने सब्स्टिट्यूएंट है, जस्ट वन। बेशक बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल ग्रुप है, मिथाइल नहीं है, बट है तो एक, काउंटिंग में तो एक आएगा, एक सब्स्टिट्यूएंट उसके साथ अटैच है। तो अब दोनों प्रोडक्ट्स को कंपेयर करें, जिस प्रोडक्ट में ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब दो सब्स्टिट्यूएंट है, उसका मेजर पोर्शन बनेगा, वो ज़्यादा बनेगी। और जिस प्रोडक्ट में हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, लेस सब्स्टिट्यूएंट है, ऊपर वाली प्रोडक्ट, वो माइनर बनेगी, कम बनेगी। तो ये रूल, ये इन्फॉर्मेशन हमें देता है कि जब भी आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को परफॉर्म करते हैं तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मैकेनिज्म के सीधे सीधे तीन स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप आपको पता है कि कैटलिस्ट की मदद से कैटलाइज हो रही थी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो इस कैटलाइज करवाने में, इस मैकेनिज्म में सबसे पहले तो हाइड्रोजन आएगा और वो हाइड्रोक्सिल के साथ अटैच हो जाएगा, अल्कोहल की हाइड्रोक्सिल के साथ। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करनी है, उसका मैकेनिज्म पड़े, तो अल्कोहल की हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ सबसे पहले तो एक हाइड्रोजन आयन यूनाइट हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, अल्कोहल डिसोसिएट हो जाएगा वाटर में एंड कार्बोनियम आयन में। मतलब हाइड्रोक्सिल के साथ जब हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा ना फर्स्ट स्टेप में, तो सेकेंड स्टेप में वही वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और जो बाकी की चीज बचेगी वो कार्बोनियम आयन होगा। आगे हम ये कंप्लीट रिएक्शन के थ्रू समझेंगे, अभी जस्ट थियोरेटिकली मैं आपको बता रही हूँ। और लास्ट वन क्या होगा, कार्बोनियम आयन अपने साथ वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन लूज कर देगा और डबल बॉन्ड बना लेगा। ये होगा कैसे, ये तीनों स्टेप अभी आपको समझ नहीं आ रहे होंगे क्योंकि थ्योरेटिकली मैं आपको बता रही हूँ, आगे प्रैक्टिकली हम इसको परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे देखें, पहला स्टेप मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल के साथ आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल के साथ आके अटैच हुआ, अब ये OH2 की फॉर्म में आ गया है, मतलब एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन, OH2। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव साइन आ रहा है बिकॉज ऑक्सीजन तीन बॉन्ड नहीं बना सकता, यहाँ पे तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं, दो बना सकता था, बट अभी तीसरा बॉन्ड कहाँ से आया, क्योंकि ये हाइड्रोजन जाके उसके साथ अटैच हो गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्टेप एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यही जो OH2 जो कि अनस्टेबल भी है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, ये वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और पीछे क्या बच गया, कार्बोनियम आयन। देखिए कार्बोकेटाइन भी कह सकते हैं इसको, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन आ रहा है, कार्बोकेटाइन बन गया और वाटर रिमूव हो गया। तो सेकेंड स्टेप यही था ना, कार्बोनियम आयन बनेगा या कार्बोकेटाइन बनेगा और साथ में वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपके पास आयन बना है, ये आयन क्यों है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन क्यों है, क्योंकि कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया ऊपर वाले रिएक्शन में, जब आपने इससे वाटर को रिमूव करवाया है तो इस कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ था, दैट इज़ वाई यहाँ पे इसके पास बॉन्ड तीन रह गए थे, इसलिए पॉजिटिव साइन है। अब ये ट्राई कर रहा है कि साथ वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाए, बट साथ वाले कार्बन से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो उसके बाद ये डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो देखें, इसके साथ वाले कार्बन से हम ये वाला हाइड्रोजन
रिमूव कर देंगे। अब ये दोनों आपस में दिस इज़ हाउ डबल बॉन्ड बना लेंगे, अल्कीन की मैन्युफैक्चरिंग होगी। ये कंप्लीट मैकेनिज्म था कि आपने किस तरह से डिहाइड्रेट करना है अल्कोहल को, और साथ में एक हाइड्रोजन आयन जो स्टार्ट में आपने लिया था, वो कैटलिस्ट था ना जो स्टार्ट में यूज़ किया, एट द एंड कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया। देखें यही हाइड्रोजन आयन जो आप स्टार्ट में यूज़ कर रहे थे अल्कोहल के साथ, वही एट द एंड रीजनरेट हो गया, क्योंकि कैटलिस्ट का हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का मतलब एसिड, एसिड कैटलिस्ट था, कैटलिस्ट का हाइड्रोजन आयन इस्तेमाल हुआ बट एट द एंड रीजनरेट हो गया, क्योंकि कैटलिस्ट हमेशा रीजनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल परफॉर्म हो गई। जस्ट आपने किया क्या है, एक हाइड्रोक्सिल और एक हाइड्रोजन को उतारा है और एज अ रिजल्ट सेंटर में डबल बॉन्ड बनाया है। बट ये डबल बॉन्ड किस तरह से बना है, आपने कैसे उतारा है, इसका पूरा मैकेनिज्म, तीन स्टेप्स में परफॉर्म हुआ ये काम, और वो मैकेनिज्म आपके सामने है। इस चीज़ को आप मज़ीद एग्जांपल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, करवा सकते हैं आपकी बुक में। और भी अगर कोई एग्जांपल इस तरह से होगी या आप एक्स्ट्रा खुद से लिखना चाहेंगे, तो कोई भी अल्कोहल का मेम्बर लेके सिंपली जैसा मैंने समझाया है ऐसे ही उसका करके आप मज़ीद एग्जांपल्स भी राइट कर सकते हैं, खुद से भी इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए ये लिख सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।